आपने गूगल पर टाइप करना है एप्स जीजर, इसे आप ओपन करें। इसमें आप फ्री एंड्रॉयड एप्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप इसमें ब्लॉग की ऐप बना सकते हैं, स्टोर का ऐप बना सकते हैं, मैसेंजर की ऐप बना सकते हैं। मैं यहाँ वेबसाइट की ऐप बनाऊंगा। यहाँ आपने अपनी वेबसाइट का URL एंटर करना है। ये मेरी वेबसाइट है। मैं अपनी वेबसाइट की एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करता हूँ यहाँ से। आप कलर थीम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट कर देना आपने। यहाँ आपने अपनी ऐप का नेम एंटर करना है। नेक्स्ट कर देना आपने। यहाँ आपने अपनी ऐप की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। नेक्स्ट कर देना आपने। यहाँ आपने अपनी आइकन पिक्चर ऐप की देनी है, या आपने अपनी ऐप की पिक्चर देनी है, या डिफ़ॉल्ट आइकन भी कर सकते हैं, या आप अपलोड भी कर सकते हैं पिक्चर। नेक्स्ट कर देना आपने। क्रिएट पर आपने क्लिक करना है। ईमेल से या आप फेसबुक से भी रजिस्टर हो सकते हैं इसमें। आपने अपना ईमेल वेरीफाई करना है।
ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आप इसे गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश भी कर सकते हैं, अपनी ऐप का लिंक शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, गूगल पर। इसे गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए $25 पे करने होंगे। आप इसे फ्री में पब्लिश भी कर सकते हैं अमेज़ोन पर। यह आपकी APK फाइल, आप पब्लिश पर क्लिक करें। आप यहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये APK फाइल है, इसे आपने डाटा केबल के ज़रिए अपने मोबाइल में सेंड करना है। आपने इसे परमिशन देनी है नॉन सोर्सेज की। सेटिंग्स में जाकर आपने इसे ओके करना है। ये देखिए, ये वेबसाइट की ऐप मोबाइल में आ गई है। ये वेबसाइट की एंड्रॉयड ऐप मोबाइल में शो हो रही है, जिस तरह ये वेबसाइट में शो हो रही थी। ये बिल्कुल वेबसाइट की तरह ही ऐप शो हो रही है इधर। इसे आप एडिट भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी ऐप कर सकते हैं। मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।